मुरादाबाद में बुलडोजर के विरोध में गरजे सब्जी विक्रेता, कहा सिर्फ गरीबों को उजाड़ रहा प्रशासन। गानगन में बनी फैक्ट्री अफसरों को क्यों नहीं दिखती। मुरादाबाद में अंग्रेजों के दौर की कपूर कंपनी पुल सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलने से सब्जी विक्रेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। कार्यवाही के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि गरीबों की सब्जी फड़ो पर बुलडोजर चलाने वाले अफसरों को गांगन नदी में बनी 1500 अवैध फैक्ट्रियां नजर क्यों नहीं आती। प्रदर्शनकारी सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की पूरी कार्यवाही सिर्फ गरीबों पर जोर आजमाइश तक सिमटी है, जबकि गांगन नदी की 5 लाख वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले निर्यातकों के घर और फैक्ट्रियों में अफसर चाय की चुस्कियां लेते हैं। प्रदर्शनकारी सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि 100 साल पुरानी सब्जी फड़ों को ध्वस्त करके प्रशासन ने गरीबों की रोजी रोटी छीन ली है। बता दें कि 3 दिन पहले रेलवे ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से रेलवे कपूर कंपनी पुल के नीचे लगने वाली 100 साल पुरानी सब्जी मंडी पर बुलडोजर चला दिया था। सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि वह पिछले 3 से 4 पीढ़ियों से यहां सब्जी की दुकानें लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन से उनकी आजीविका लौटाने की मांग की है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि प्रशासन बड़े अवैध कब्जों और निर्माणों पर एक्शन लेने के बजाय सिर्फ गरीबों को उजाड़ रहा है। बता दें कि मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर गांगन नदी की करीब 5 लाख वर्ग मीटर भूमि पर निर्यातकों ने अवैध कब्जा कर लिया है। गांगन नदी की धार को पाट कर यहां 1500 से अधिक अवैध फैक्ट्री बना ली गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।